छोटी सी एक स्टोरी मैं आपको बताऊं। एक आदमी था और उसका शिप था, और उसका शिप एक बार खराब हो गया, उसके इंजन खराब हो गया। तो किसी टेक्नीशियन को बुलाया, दो चार लोग आए, इधर उधर देख के गए, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। आखिर में एक कंपनी के, बहुत बड़ी कंपनी के बहुत बड़े टेक्नीशियन को बुलाया, एक्सपर्ट आदमी को बुलाया। एक्सपर्ट आदमी आया, एक्सपर्ट आदमी को आने के बाद उसने बोला इंजन रूम दिखाओ। इंजन रूम में लेके गए, उसने थोड़ा मुआवजा किया, बोले हैमर है आपके पास? हैमर, हथौड़ा, हथौड़ा बोलते ना, बोले हथौड़ा है आपके पास? तो मालिक ने बोला है, बोले लेके आइए। वो हथौड़ा लेके आया, उसने एक जगह पे जोर से मारा, ठन करके मारा। उसके बाद बोला देखिए मेन स्विच ऑन कीजिए। मेन स्विच ऑन किया, मशीन स्टार्ट हो गया। अरे यार कमाल है, इसके पहले चार टेक्नीशियन आके गए, किसी से मशीन स्टार्ट नहीं हुआ, उसने एक हथौड़ा मारा, स्टार्ट हो गया। भैया आप तो कमाल आदमी हो। बोले जी सर, बिल आपका? बोले मेरी कंपनी भेजेगी। कंपनी ने बिल भेजा, बिल का अमाउंट कितना था? 2,00,000 रुपए। उसको फोन करके बोल रहा है, अबे पागल हो गया क्या रे, है 2,00,000 रुपया बिल? तेरे को मालूम है तेरा आदमी ने किया क्या? बोले साहब सब रिपोर्टिंग हो गया है, मेरा आदमी ने एक हथौड़ा मारा था। रिपोर्टिंग हो गया सर, उसने एक हथौड़ा मारा और कुछ नहीं किया। हाँ तो एक हथौड़ा मारने का 2,00,000 होता क्या? जरा कस्टमाइज बिल भेजो मेरे को, जरा पता चले, अदरवाइज आई विल गो टू द कंज्यूमर कोर्ट। ठीक है सर, ठीक है सर, आपको कस्टमाइज बिल चाहिए ना, भेज देता हूँ ना सर। 10 मिनट के बाद में ईमेल आ जाएगा। 10 मिनट के बाद में ईमेल खोला, कस्टमाइज बिल आया था कंपनी से। उसमें लिखा था आइटम नंबर 1, हमारा आदमी तुम्हारे पास आया और तुम्हारे पास आके उसने एक हथौड़ा मारा, उसका 5,000 रुपया। कितना होता है 5,000? ज्यादा से ज्यादा ना, तो उसका 5,000 रुपया। आइटम नंबर 2, कौन सी जगह पे हथौड़ा मारने का, वो ढूंढने का 1,95,000 रुपीज। सो सिर्फ लोगों को मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट से मिलना, कैसे मिलना, कैसे बात करना, ये सीखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और ये जब हम सीख गए तब हम लोग मास्टर बन सकते हैं, राइट। अभी कंसेप्ट का जो प्रभु देसाई जी ने यहां पर एक दो बातें कही, उसके ऊपर मेरे को एक कंसेप्ट बहुत, मेरा सबसे अच्छा फेवरेट कंसेप्ट है, जो जनरली एडवांस कोर्स के अंदर मैं लेता हूं। एक आदमी के एक पार्टी के मिलने को गया था, ये इसी तरह से गुब्बारे गुब्बारे घर में लगे हुए थे और हैप्पी बर्थडे का बैनर लगा हुआ था। तो मैं समझ गया कि एक दिन पहले जो है इसके घर में किसी का बर्थडे हो गया है, उसमें 2-4 गुब्बारे फूटे हुए भी थे। तो मैंने उसको पूछा किसका बर्थडे हुआ, तो बोले विक्की का बर्थडे था, उसका बेटा 4 साल का। जनरली जब मैं फील्ड पे रहता हूँ तो बैग में हमेशा कैडबरी चॉकलेट या इस तरह के चीज़ें रखता हूँ मैं। तो उस बच्चे को बुलाया, विक्की इधर आओ बेटा, ये लो चाचा की तरफ से कैडबरी। थैंक यू बोल के बच्चा चला गया। फिर मैं पार्टी से इसी बात को लेके मैंने पार्टी से बात करना शुरू किया, कंसेप्ट। मैंने कहा सर देखो, समझो कि 2 दिन पहले का दिन है, विक्की का बर्थडे है और आपने मेरे को आमंत्रित किया है और मैं आया हूँ, और मेरे पास, मुझे पता है कि उसको कैडबरी की इक्लेयर्स आती है ना, छोटी छोटी इक्लेयर्स, उसको इक्लेयर्स बहुत पसंद है। और मैं क्या किया, उसको जेब में से ढेरों इक्लेयर्स लेके आके उसके हाथ में दिया। उसने दोनों हाथ से उसके इक्लेयर्स, उसका हाथ जो है वो पूरा दोनों चॉकलेट से उसका हाथ भर गया। अब सर हम लोग जनरली क्या करते हैं, हमारे बच्चों को हम लोग हमेशा अच्छी सलाह देते हैं, हम हमेशा अच्छी शिक्षा देते हैं। हम बच्चे को क्या बोलेंगे, बेटा अकेले नहीं खाना, जाओ अपने दोस्तों को भी बांटो। तो आपका बेटा क्या करेगा कि जितने भी उसके उम्र के जो दोस्त आए हैं उनके पास लेके जाके बोलेगा, राजू लो चॉकलेट, रीना लो चॉकलेट, टीना तुम भी लो चॉकलेट, पप्पू तुम भी लो चॉकलेट, रिकी तुम भी लो चॉकलेट। अब रिकी ने जब जो चॉकलेट ली, सारी चॉकलेट खत्म हो गई। अब तुम्हारा 4 साल का बेटा ना सर आपके पास रोता रोता आएगा, पापा 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 सब खत्म हो गया, सबने ले लिया, रोएगा ना सर ऐसे।
बोलेगा हाँ रोएगा। मैंने कहा नहीं रोएगा सर, अपने बच्चे हमारे जैसे नहीं, अपने बच्चे बहुत होशियार है। आपका बच्चा क्या करेगा पता है मालूम है? जब आप उसको बोलोगे कि जाओ सबको अपने दोस्तों को बांटो, तो सबसे पहले क्या करेगा आपका बेटा, दो चॉकलेट अपनी राजू ले, मीना तू भी ले, टीना तू भी ले, पप्पू खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। वो पार्टी हंस पड़ा, पार्टी बोलता है बात तो सही है, बच्चे ऐसे करेंगे। मैंने कहा सर हमारे पैदा किए बच्चे हैं, उनसे हम कुछ सीखे। बोले क्या? मैंने कहा सर आप महीने के 40,000 रुपए कमा रहे हो, लेकिन 40,000 में से बचा क्या रहे हो बताओ? सब का सब चॉकलेट सबको खिला दिया। और फिर जब बूढ़े होंगे ना, तब ये सत्यमेव जयते वाले आएंगे और उस समय पे बोलना पड़ेगा, मेरा बेटा ने मेरे को लात मार के बाहर निकाल दिया, मेरे को नहीं रखते, मेरे को वृद्धाश्रम में बिठा दिया, सत्यानाश है उसका। साले गलती तुम करो हाँ, और बेटे नालायक। किस बेटे ने बोला था कि दो चॉकलेट जेब में नहीं रखना? हाँ किस बेटे ने बोला था बताओ मेरे को? रखो ना साले महीने का, तब हम बोलने को आ रहे, समझाने को आ रहे, तभी अक्कल ठिकाने पे नहीं आती है। और फिर साले उधर सत्यमेव जयते के माइक लेके रोते हो, एक मारूंगा साले कान पे। देखना आप ऐसी बात करना, वो बोलेगा कितना प्रीमियम दू, हाफ ईयरली दू कि क्वार्टरली दू, तैयार हो जाना चाहिए यार। सो ऐसे हमारे पास में ऐसे कंसेप्ट हमारे